नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी ही कॉमन बीमारी अपेंडिक्साइटिस, जिसे हम नॉर्मली अपेंडिक्स की सूजन कहते हैं, उसके बारे में। अपेंडिक्स एक छोटा सा ऑर्गन है जो हमारी छोटी और बड़ी आंत जहाँ मिलती है उस जगह पर पाया जाता है। ये बड़ी आंत जहाँ स्टार्ट होती है उसके नीचे वाले हिस्से से जुड़ा रहता है और हमारे पेट के राइट साइड के निचले हिस्से में रहता है, यानी राइट लोअर एब्डोमेन में अपेंडिक्स यूजुअली रहता है। इसका नॉर्मल फंक्शन ह्यूमंस में कुछ खास नहीं है, लेकिन जानवरों में इसका कुछ फंक्शन पाया गया है और माना जाता है कि जैसे जैसे ह्यूमंस इन्वॉल्व हुए इसका फंक्शन कम होता गया और ह्यूमंस में ज़्यादातर ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। इसका बहुत थोड़ा सा इम्यूनिटी में रोल के अलावा कुछ खास फंक्शन नहीं है, और अगर इसमें बीमारी होती है तो इसको हम सेफली रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के बाद हमारी बॉडी में कोई भी इसकी वजह से डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम जान लें कि अगर अपेंडिक्स की दिक्कत आ रही है, उसमें सूजन हो रही है, तो आपको सिम्टम्स क्या होंगे, यानी आप कैसे बता सकते हैं कि ये अपेंडिक्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्योंकि अपेंडिक्स राइट और लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होता है, तो आपके पेट के निचले और राइट साइड वाले पार्ट में पेन फील होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये दर्द पहले नाभि के आसपास स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये राइट लोअर साइड में जाने लगता है। दर्द के अलावा आपको नौजिया यानी उल्टी आने जैसा फील हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, आपको फीवर हो सकता है, यूरिन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। तो कुछ पेशेंट में ये दर्द राइट लोअर के बजाय थोड़ा मिडल साइड में, थोड़ा ऊपर, इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स की प्लेसमेंट के हिसाब से हो सकता है। कुछ लोगों को इवन ये डायरिया भी कर सकता है। यूजुअली ये 10 से लेकर 30 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। छोटे बच्चे और बूढ़े लोग भी इससे इम्यून नहीं हैं। सो किसी भी एज ग्रुप में अगर ये सिम्टम्स हैं तो अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अगला सवाल है कि अगर आपको लग रहा है कि अपेंडिक्स है तो इसे कन्फर्म कैसे करें। अपेंडिक्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट बहुत सारे नहीं हैं। डॉक्टर्स यूजुअली पहले रूटीन टेस्ट करवाएंगे, जैसे कि खून की जांच, पेशाब की जांच, आपके पेट की अल्ट्रासाउंड की स्कैनिंग। अगर स्कैनिंग में डेफिनेटली अपेंडिक्स दिख जाता है, उसका साइज़ बड़ा हुआ दिखता है और कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, तो उसके आधार पर इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो फिर हम पेट का सीटी स्कैन करवाते हैं। उसमें ज़्यादातर लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाता है और अगर उसमें भी अपेंडिक्स की दिक्कत आती है तो फिर ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है। अगर अपेंडिक्स की बीमारी कंफर्म हो जाती है तो ऑपरेशन इसका ओपन सर्जरी से भी किया जा सकता है और आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे दूरबीन से ऑपरेशन प्रेफर किया जाता है। दूरबीन से बहुत ही छोटे कट से हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की एज कितनी है। अगर छोटे बच्चे हैं तो कट्स बहुत ही छोटे होंगे, जैसे कि 1 सेंटीमीटर का आधा, 5 मिलीमीटर के कट से हम सर्जरी कर सकते हैं। एडल्ट पेशेंट्स में हम इसको कुछ एक कट्स को मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर तक ले जाते हैं। उतने छोटे कट से ही हम पूरा पेट देखकर और बाकी सभी ऑर्गन्स कन्फर्म कर कि और कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को निकाल सकते हैं। सिंपल केसेस में एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूटीन सर्जरी होती है और पेशेंट 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। दूरबीन के ऑपरेशन में चीरे वाले ऑपरेशन के हिसाब से बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूरबीन से हम कैमरा अंदर डाल के पेट का पूरा मुआयना कर सकते हैं, क्या अपेंडिक्स की वजह से ही दर्द था या किसी और बीमारी से दर्द हो रहा था और हमें टेस्ट में अपेंडिक्स लग रहा था, वो सारी चीज़ें हम दूरबीन से देख सकते हैं। दूरबीन से चीरा छोटे होने की वजह से आने वाले लाइफ में दूसरी कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। ओपन अपेंडिसेक्टमी यानी चीरे वाले ऑपरेशन में घावों का भरना, उसमें पस पड़ना, इन्फेक्शन होना ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू दूरबीन वाला ऑपरेशन। यंग लड़कियों में अगर ओपन सर्जरी की जाए तो बाद में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन होने का खतरा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी के कट में जाकर ट्यूब्स वगैरह या बच्चेदानी चिपक सकती है, जिससे बांझपन का खतरा होता है, जबकि दूरबीन के ऑपरेशन में ये नहीं रहता। ओपन अपेंडिक्स सर्जरी के बाद हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ नर्व्स जो उस एरिया को सप्लाई करती हैं उनके कटने का डर रहता है, लेकिन दूरबीन के बाद ये
पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन टाइम से ना करवाया जाए तो ये एक साधारण बीमारी कॉम्प्लिकेशन में बदल सकती है। अपेंडिक्स में पस पड़ सकती है, वो पस पूरे बॉडी में फैल सकती है। अपेंडिक्स एक लिमिट से ज़्यादा सूज जाए तो वो फट सकता है, उसके अंदर का जहरीला पानी पूरे पेट में फैल सकता है और इवेंचुअली ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा भी हो सकती है। सो इस ऑपरेशन को डिले ना करके अगर आप टाइमली करवा लें तो आप इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको अपेंडिक्स के बारे में जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल या फ़ोन के राहें अप्रोच कर सकते हैं और हम बहुत खुश होंगे आपकी हेल्प करके। थैंक यू।